पेंशन केस एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और बहू की उबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी कर दी है। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी की है। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने वुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने आज चौधरी परवेज इलाही के वकील को से जो है वो ये इस्तफसार किया कि मुनासिब है कि आप नई दरख्वास्त दायर करें, इस दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका है। ताहम उनके वकील ने सदा की कि मजीद कुछ दस्तावेजात हैं जो वो जमा करवाना चाहते हैं। ताहम अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया कि सियासी बुनियादों पर केसेस बनाकर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, एक मुकदमे में रिहाई के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, मगर उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद के अहकाम जारी करे। अब अदालत ने इस दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है।